सही करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। दोस्तों, यह बात विश्व के एक कामयाब और बहुत ही जाने माने उद्योगपति ने कही है। शायद यही बात उनकी कामयाबी का राज भी है और हर कामयाब लीडर में यह गुण पाया जाता है। दोस्तों, इसी गुण का प्रदर्शन हमारे आने वाले स्पीकर ने समय समय पर किया है। पिछले एक दशक में कठिन से कठिन प्रसंगों में इन्होंने अपने आत्मविश्वास को ढलने नहीं दिया। वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने ऐसे कई डिसीजंस लिए और फिर उन्हें सही साबित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज वही सारे डिसीजंस सही साबित होते हुए देख हमें काफी खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, आमंत्रित करते हैं ऐसे निडर लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में एक अखंडता के एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं कि विविधता में एकता, ऐसा करके पूरे विश्व में जाना जाता है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा बोलते वक्त भारत देश बोलते, लेकिन क्या होता कि अगर ये देश नहीं बल्कि एक खंड होता जो कि 600 देशों में विभाजित है? क्या होता अगर आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो आपको 15 से 20 वीजा लगते, लेकिन ये जो और भारत देश हमेशा 562 टुकड़ों में विभाजित रहता। लेकिन ये हाँ, एक आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ये होने नहीं दिया, जिसने भारत को एक अखंडता का स्वरूप दिया। और वो जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लोह पुरुष, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष यानी आयरन मैन। आयरन हमेशा सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को। अगर किसी स्ट्रक्चर का भी स्ट्रेंथ जानना है तो उसमें कितना आयरन है ये देखते हैं। वैसे भी ह्यूमन बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, जो कि एक आयरन ही है, तो वो वीकनेस या एक पूरे बॉडी इज नॉट स्ट्रेंथफुल, ऐसा हम बोलते हैं। उसी प्रकार से जो इनको एक पदवी दी गई है आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको क्यों कहा जाता है ये आज हम जानेंगे। जब और इन्हीं के जन्मदिन पे यानी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते। अभी आप ये सोचेंगे कि ये भारत की जो तकदीर है, एक अखंडता का स्वरूप जो इन्होंने दिया है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? वो इसीलिए था कि जब ब्रिटिश भारत से निकले थे तो वो मन ही मन बहुत खुश थे। वो खुश इसलिए थे क्योंकि भारत देश एक भारत देश नहीं था। भारत और दो टुकड़े तो हमें पहले ही पता है, भारत और पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ में भारत में 562 डिफरेंट रियासत थी जिसपे भारत देश का अधिकार नहीं था। और ये छोड़ के वो ब्रिटिश यहां से चले गए। लेकिन ये जब हुआ, उससे कुछ साल पहले भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात के नाडियाद में उनका जन्म हुआ। और उनके जो पिता थे, जो थे जावेर भाई पटेल, वो एक किसान थे लेकिन एक स्वतंत्र सेनानी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन इनको बचपन में फ्रीडम और स्वतंत्रता इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वो बैरिस्टर यानी एक वकील बने। वकील बनने के बाद में वो अपना काम करते थे और पैसा कमाते थे। लेकिन उनके जीवन में ऐसा हुआ कि उनके कुछ ही दूर बारदोली एक गांव में वो देख रहे थे कि किसान जो है वो बहुत पीड़ित है ब्रिटिश से। ब्रिटिशर्स अपना जो टैक्सेस है वो बढ़ा रहे थे। उन्होंने 6% से 40% टैक्सेस बढ़ा दिया था। और किसान को जो ये था, जो उनका धान्य था और वो सब चीजें थे, वो उस प्रकार से नहीं मिल रहा था। लेकिन ब्रिटिश उसके बदले उनसे उनकी जमीन लेते थे। तो ये देखने के बाद में उन्होंने अपनी जो वकीली है उसका इस्तेमाल किया। और जिस दिन ब्रिटिशर्स उनकी साइन लेने के लिए आते थे, वो किसानों को कहीं और भेज देते थे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स भी बहुत ये हुए कि अभी ये कैसे करना है, और उन्होंने अपना टैक्सेस जो है वो कम कर दिया। तब उनको ध्यान में आया कि मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो बैरिस्टरी है, जो वकीली है, वो मैं शायद भारत देश के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी दिन उन्होंने अपना जो काला कोट रहता है बैरिस्टर का, वो फेंक दिया और वो सूत यानी अपने कॉटन के कपड़े पहन के, खादी कपड़े पहन के भारत की स्वतंत्रता के लिए जुट गए।
और जब 1947 में ब्रिटिशर्स के बाद में जो एक अपना जो प्रजासत्ताक हुआ वो 1950 में हुआ, उससे पहले एक था कि भारत को लीड कौन करेगा, कौन स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, जिसमें जो इंडियन कांग्रेस है उनका वोटिंग हुआ और 99% वोटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। वो भारत स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन तभी गांधी जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी पढ़ने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरी एक ड्यूटी है जो मैं मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, और वो ड्यूटी उनको दी गई थी इस 562 टुकड़ों को भारत देश में जोड़ना, जिसके वजह से वो होम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये काम शुरू करने के लिए उनके साथ में जो उनका दाया हाथ था वो थे वीपी मेनन सर। वीपी मेनन उनके सेक्रेटरी थे और उन दोनों ने मिलके एक डॉक्यूमेंट बनाया, जिस डॉक्यूमेंट को पूरे 562 स्टेट्स को भेजा गया उनपे साइन करने के लिए। कुछ जो हमें सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो राजा थे वो राजा ये इतना इजी नहीं था, बिकॉज वो राजा का पद जाने वाला था और वो स्वतंत्र भारत के कॉमन इंसान बनने वाले थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद हर राजनीति का उपयोग करके इन 562 स्टेट्स को भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया और उनको रिक्वेस्ट भी की। जहाँ जैसे कि जूनागढ़, जोधपुर और हैदराबाद, ये तीन स्टेट एक डिफरेंट इससे माने जाते हैं। जोधपुर जिनके जो राजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने पहले ही पाकिस्तान से बात कर ली थी और कुछ बिजनेस रिलेशंस उन्होंने ऑलरेडी बना दिए गए थे। जब सरदार जी वल्लभ भाई पटेल को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने वीपी मेनन सर को पहले भेजा, लेकिन वीपी मेनन सर के जो कंधे पर उन्होंने बंदूक रख के हनुमंत सिंह ने उनको रिटर्न भेज दिया कि नहीं, मुझे भारत में नहीं आना। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक फरमान जारी किया और हनुमंत सिंह को बोला कि तू आपको मुझे आके मिलना है, और मिलने के बाद में उन्होंने उनको बोला कि आपके जो पिताजी थे उनसे मैं उनको मैं पहचानता हूँ, और अगर आपको ये लगता है कि आप बिजनेस या जो भी है वो कराची पोर्ट से आपको जो भी मिलेगा वो मैं आपको कच्छ के पोर्ट से अवेलेबल करके दूंगा, लेकिन आपको भारत में ही शामिल होना है। दिस इज बिकॉज उनको पता था अगर जोधपुर जैसी स्टेट हम किसी और देश के लिए देते हैं तो पूरा राजस्थान भी उस देश में जा सकता है, और जो कि दिल्ली के बहुत ही पास में। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने डिसीजन लेके जोधपुर भारत में शामिल किया। उसी तरीके से जूनागढ़, जूनागढ़ के भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, वहां पे उन्होंने पब्लिक वोटिंग जारी किया और पब्लिक वोटिंग जारी करने के बाद में 99% लोगों को भारत देश में ही रहना था। इस तरीके से उन्होंने जूनागढ़ भी अपने यहाँ पे लिया। सबसे कठिन जो था हैदराबाद स्टेट, जो कि भारत का पेट बोल सकते हैं, दिस इज बिकॉज वो सेंटर में था और जियोग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं था कि ये स्टेट स्वतंत्र रहे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के पहले दिन से ही बोल दिया था कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहेंगे। बट जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हैदराबाद से होता था तो बहुत कठिनाइयां भारतीयों को झेलनी पड़ती थी। उसके साथ में उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि दंड करके मिलिट्री इन्वेशन करके वहां पे हैदराबाद भारत में शामिल करवा के दिया। इस तरीके से ये सब अपनी ड्यूटी और कर्तव्य पूरे करने के बाद में ही 15 दिसंबर 1950 में उन्होंने इस भारत से अलविदा लिया, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करे। इसमें उन्होंने भले ही भारत को आप पहला प्रधानमंत्री या फिर प्रजासत्ता के बाद में भारत को नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य कंप्लीट किया। आज जब हम भारत देश की ये बात करते हैं तो हमारी पीढ़ी को भारत देश एक थाली में सजाकर मिला है, लेकिन ये थाली सजाने के लिए हमारे लीडर्स ने किस तरीके से समर्पण किया ये शायद हमें पता नहीं है। आज हम ये थाली हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को किस तरीके से सजाकर देने वाले हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। क्या हम भारत देश एक फ्यूल के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट है ऐसा देने वाले हैं, या कि भारत एक फ्यूल इंडिपेंडेंट कंट्री है ऐसा देने वाले ये हम पे डिपेंडेंट है। क्या हम भारत की जमीन जिसमें हमने ये पीक ले लेके उसको नापिक बना दिया है, या फिर हमें एक सुजलाम सुफलाम भारत हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देने वाले हैं। क्या हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सिर्फ लीडर्स उनकी ही स्टोरीज पढ़ेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दी, या फिर हम ऐसे लीडर्स क्रिएट करेंगे कि जिन्होंने भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट किया, ये सब हम पे डिपेंडेंट है। और अभी इस वेबिनार सेशन को आगे लेके जाने के लिए मैं ऐसे ही व्यक्ति एक व्यक्ति को